कैश जमा। ए दरवाजा बंद कर। क्या बात है, आज मस्त महक आ रही है। कौन से होटल से मंगवाया? अपने हकीम भाई के ढाबे से। एक दिन में कितना कमाता होगा? यही कोई 40,000 छाप लेता है। इतना कमा के भी हमें हिस्सा तक नहीं दिया। सिर्फ आपके चिकन में एक्स्ट्रा मसाला डालता है, उसे यहाँ बुलाते हैं और उसमें मसाला भरते हैं, फिर हिस्सा देगा। सुन, तू बाहर जा। सर, हमारा काम कर दिया। ए, मुझे बेवकूफ समझता है? बिना पैसे दिए मुझसे काम करवाया? सर, आपके अकाउंट में पैसे डलवा चुका हूँ, आपको मैसेज आ गया होगा। हाँ, मैसेज आया था और उसके ठीक 5 मिनट बाद पैसे निकल भी गए। सर, मुझे कहानियां सुना रहे हैं। हमने अपनी तरफ से अमाउंट डलवा दिया, हमारा काम पूरा हुआ, पैसे कहाँ गए वो आप देखो। हाँ बोलिए सर। अरविंद, अभी अभी मेरे अकाउंट से 25 लाख रुपए गायब हुए। ये क्या कह रहे हैं सर, हैकर्स ने पुलिस वाले के अकाउंट में डाका डाला। सर मुझे कंप्लेंट फॉरवर्ड कीजिए, मैं भी ट्रेस करता हूँ। कंप्लेंट नहीं कर सकता, इनकम का सोर्स नहीं बता सकता, सीक्रेट अकाउंट, बात समझो। ठीक है, अकाउंट्स की डिटेल भेजिए, मैं भी कुछ करता हूँ। कुछ पता लगा? ट्रेस कर लिया सर, ये रहा उसका फोन नंबर, आईपी एड्रेस भी ढूंढ लिया है, वो इसी शहर में है। कॉल लगाओ। कनेक्ट करो सर। हेलो। ए, बहुत जिगर है तुझमें, पुलिस ऑफिसर का अकाउंट हैक किया? 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं तुझे, मेरे अकाउंट से उड़ाए 25 लाख रुपए चुपचाप मेरे अकाउंट में वापस कर दे। तुम तो पुलिस ऑफिसर हो ना, अगर तुम में जिगर है तो मुझे डायरेक्टली अरेस्ट करके दिखाओ। खेल रहा है मुझसे? पल्लावरण में रहता है ना? आ रहा हूं मैं, घसीट के लाऊंगा तुझे। मैं पल्लावरण में हूं, अपने साइबर क्राइम एक्सपर्ट से कहो स्क्रीन रिफ्रेश करें। फिलहाल मैं कहां हूं? पांडिचेरी। एक बार फिर से रिफ्रेश करो, मेरा लेटेस्ट लोकेशन बताओ। कडलूर। कोई आधे सेकंड में पांडिचेरी से कडलोर पहुंच सकता है? अब तक तेरी बेईमानी की कमाई उड़ाई है। इस वक्त तेरी सैलरी के अकाउंट में कितना पैसा है? 2,44,435 रुपए 25 पैसे। फोन काटने तक हर सेकंड तेरी सेविंग अकाउंट से 10,000 रुपए कम होते जाएंगे। मजाक समझ रखा है? तेरा बैलेंस कम है, फोन जल्दी काट। आज सेशन के लिए नहीं आए? हाय, कोमो तालेवू। क्या कहा? फ्रेंच था, फ्रेंच क्लास में एडमिशन लिया। लेकिन सेशन के लिए टाइम नहीं है। ये कोई जगह है सेशन लेने की? कितना शोर शराबा होता रहता है यहाँ, मूड ही नहीं बन पाता। तुम्हें सेशन ही लेना है ना, तो एक काम करते हैं, फॉर अ चेंज क्यों ना वॉक करते करते बात करें। थैंक यू। अच्छा बताओ, तुम्हारी दीदी कैसी है? तुमने उसे मेरे बारे में बताया ना? चलो हम दोनों एक गेम खेलते हैं। गेम? क्विड प्रो को। वो क्या होता है? तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। और उसके बाद तुम मेरे हर सवाल का जवाब दोगे। कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ? बड़े शौक से। ऑनेस्ट जवाब चाहिए? मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, अगर तुमने झूठ कहा तो मैं समझ जाऊंगी। मंजूर है, पर फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा। कभी प्यार किया है? ये कैसा सवाल है? तुम्हारी शर्त क्या थी? कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ, ऑनेस्ट रिप्लाई चाहिए। हाँ, शायद 12 बार कर चुकी हूँ। कौन? तुम? ऑफ कोर्स। 12 बार प्यार किया है? चलो मान लिया कि सवाल बहुत बुरा था, पर तुम सीधा ना भी तो कह सकती थी। तुम 12 लोगों को डिच कर सकती हो, किसी ने गलती से तुम्हें डिच किया होगा तो वो इंसान गारंटीड दुनिया का सबसे पागल इंसान होगा। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, यकीन से कह सकता हूँ एक भी बार प्यार में नहीं पड़ी हो तुम। तुम साइकाइट्रिस्ट हो, झूठ मत बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारे गुस्से की असली वजह? कभी कबड्डी का मैच देखा है? बचपन से कबड्डी खेलते आ रहा हूँ, वायलेंस मेरे सिस्टम में घुस आ गया है, गुस्सा बनकर बाहर निकलता है, कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 2 गोलकीपर होते हैं, 1 विकेटकीपर और 2-4 एक्स्ट्रा। इससे अच्छा रेसलिंग ही बोल देते। देखो मैं कहने... क्या करेगा? 1 मिनट। ओके। तुम्हारी बहन को कोई शरीफ इंसान चाहिए
या फिर उसे कोई रफ एंड टफ माचो इंसान पसंद आएगा मेरी तरह। मैं हफ्ते में 6 दिन एसी कैबिन के कंफर्ट में काउंसलिंग करती हूँ। वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। पब्लिक में वायलेंस करने वाले को मिनिमम 6 सालों की जेल करवाती है। ओ, तुम्हारी बहन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। सही है। उधार लेने वालों और देने वालों पर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है ये बताओ। तुमने आज तक किसी से 1000 रुपए मांगे हैं? हाँ? कोई दोस्त भी देगा ना तो ऐसे दिखाएगा जैसे अपना कलेजा काट के दे रहा। पैसे देते हुए बहुत तकलीफ होती है। पैसा इज्जत से बढ़कर बन जाता है। एक गरीब आदमी 10 रुपए का रिचार्ज करवाता है तो टैक्स के 4 रुपए कट जाते हैं। अमीर आदमी 500 का रिचार्ज करवाता है तो फुल टॉक टाइम मिलता है। अमीरी और गरीबी में यही तो फर्क है। लोन देने वाला खुदा बनकर उधार मांगने वाले मजबूर इंसान को नीचा दिखाने लगता है। कभी उधार मांगती तो ये बात समझ में आती। पता है मेरे बाप की वजह से मेरा परिवार कितनी बार शर्मिंदा हुआ है? पिता के साए में बेटा महफूज महसूस करता है। मैं भी करता, लेकिन मेरा बाप खुद को बचाने के लिए मेरे मुंह से झूठ बुलवाता। उन्हें मत बताना मैं यहां पर हूं। ए रंगास्वामी, अरे क्या मर गया क्या रंगास्वामी? किधर है रे? बाप किधर है तेरा? पापा घर पे नहीं है। तो अपनी माँ को बुला, जल्दी बुला। क्या भाभी, रंगा किधर है? 6 महीना पहले उसने 5000 रुपए लिया था। उस दिन से देख रहा हूँ मेरे को देखते ही रास्ता चेंज कर लेता है। अरे पैसा मिलने की उम्मीद तो मैंने कब की छोड़ दी। अब देखो तुम्हारा मंगलसूत्र मेरे को छीनना नहीं है, इसलिए खुद ही उतार के दे दो। पर वो आखिरी बार नहीं था, वो आज तक नहीं बदले। मैंने दिल का ये पन्ना किसी के सामने नहीं खोला था। कमाल का गेम है तुम्हारा, खेल खेल में मुझसे सच उगलवा लिया। आओ मेरे साथ। यहां क्यों लाई हो? कुछ कहना था क्या? सुकून महसूस हुआ? ये चिड़ियों की आवाज, ये सुंदर सा सनराइज, ये है प्रकृति जिसकी तुम कद्र नहीं करते। क्या नजर आता है ये जरूरी नहीं, जरूरी है हमारा नजरिया, हम उसे किस तरह से देखते हैं। क्या तुम अपने परिवार को मिस नहीं करते? उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, हर महीने पैसे भेजता हूँ। मुझे नहीं लगता पैसों के अलावा उन्हें मुझसे कुछ और चाहिए। ये तो अच्छी बात है। आज तक कितने पैसे कमाए होंगे? सच सच बताना, कभी मन नहीं किया कि लोन चुकाकर अपनी मम्मी का मंगलसूत्र वापस ले आओ? एक बात बताऊं तुम्हें? तुम अपने पापा से ज्यादा कायर हो। वो उधार वालों से भागते रहे और तुम अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते रहे। खुशियों की तलाश वहीं से शुरू करो जहां उन्हें खोया। अपने पापा से मिलो, जिंदगी से भागकर कहीं नहीं पहुंचोगे। उन्हें बताओ तुम उनके साथ हो, अपनी बहन के साथ समय बिताओ। ये रिक्वेस्ट नहीं, ये ऑर्डर है। अगले 30 दिनों तक परिवार के साथ तुम्हें टाइम स्पेंड करना है, उसके बाद ही फॉर्म पे साइन करूंगी। मतलब गांव जाना होगा, ये भी कर लूंगा। मैं सब समझती हूँ कि तुम क्या चीज हो। डेली फैमिली के साथ सेल्फी लेके फेसबुक पे अपलोड करोगे, उसे देख के मैं लाइक करूंगी और 30 लाइक्स के बाद मैं पेपर्स पर साइन कर दूंगी। ओके, ठीक है, जैसा चाहोगी वैसा करूंगा। तुम्हारे लाइक्स के साथ साथ बहन को भी लाइक करने बोल देना, उसे भी तो पता चले मेरी फैमिली कैसी है। अभी मैं नहीं हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ तुम्हें। जो मैंने अपनी बहन के बारे में बताया था ना, वो असल में एक बहुत बड़ा झूठ है। हा? क्या मतलब? कोई सरोजा देवी है ही नहीं? क्या कह रही हो? मैंने सीने पे उसका नाम टैटू करवा लिया था। दिख तो नहीं रहा। वो मेरे काले रंग के साथ मिक्स हो गया होगा। चलो ठीक है, तुम्हारी कोई बड़ी बहन नहीं है, छोटी बहन तो होगी। सिर्फ बहन की बात नहीं है अभिमन्यु, मेरी कोई फैमिली ही नहीं है। और जिनका अपना कोई नहीं होता, रिश्तों की अहमियत वही समझते हैं। तुमने गुस्से में आकर कह तो दिया कि तुम्हारी फैमिली नहीं है,
कल को अगर वो सच में नहीं रहे तो सहन कर पाओगे? अभी तुम्हें उनकी कोई कद्र नहीं है, लेकिन जब वो नहीं रहेंगे तब तुम्हें सिर्फ अफसोस होगा। आज ही